अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। द क्विक जॉब्स में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हसन। तो दोस्तों, मेरी सबसे पहले आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की अलर्ट आपको सबसे पहले मिल सके। का काफ़ी नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसका नाम है पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास पोजीशंस हैं हायरिंग के लिए। इसमें लिखा हुआ है पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड PTPL इज़ अ कंपनी ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, पंजाब के अंदर है। अब अच्छा, इनके पास जो है बेस लोड जो है प्लांट की वो है 1263 मेगावाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, जिसके अंदर बॉयलर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं और टर्बाइंस होती हैं। तो वो काम है इनके पास। अब बात कर लेते हैं हम, आप लोगों को अप्लाई किस तरह करना है, पोजीशन कौन सी है। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी इन्होंने बैचलर एंड मास्टर डिग्री, मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन बैचलर होना चाहिए आपके पास या मास्टर होना चाहिए, और 16 साल की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग बाई द हायर एजुकेशन HSC डिसिप्लिनस इंक्लूड इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास से HSC की डिग्री होनी चाहिए जो हायर डिग्री कराती है। और पावर इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और चार्टर्ड अकाउंट हायर क्वालिफाइड विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि इनके पास जो वैकेंसीज हैं चार्टर्ड अकाउंट की वैकेंसीज हैं, और जो यानी कि जिनकी ज़्यादा हायर एजुकेशन होगी उनको ये ज़्यादा तरजीह देंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 20 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एट लार्ज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से, विथ नो लेस देन 5 ईयर्स वर्किंग सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास 20 साल का हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मैनेजमेंट के लिहाज से होना चाहिए। जो मैनेजमेंट होती है उस लिहाज से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एज लिमिट इसके अंदर दी हुई है, मैक्सिमम एज शुड नॉट बी अबव 62 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये इसमें ये कह रहे हैं कि 62 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन की। तो इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंट अकॉर्डिंग विद द पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि आपको जो ऑफिसर जो अपॉइंट करेंगे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अकाउंट करेंगे कंपनी के। और बात कर लेते हैं इसके अंदर अप्लाई करने की, तो आपको CV सेंड करनी होगी। यहाँ पर आपको CV सेंड ज़रा बात कर लेते हैं इसके अंदर अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड विल बी डन ऑन द बेसिक ऑफ क्वालिफिकेशन एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस ओनली। एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर योर इंटरव्यू, इन कम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, नो TDI विल बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे सबमिट हिज हर CV अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर क्रेडेंटियल एट द एड्रेस, यानी कि आपको जो अपनी CV भेजनी है CV के साथ, चाहे तो आप अपने डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, और आपकी CV होगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर NIC वगैरह होते हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, बाकी ये तमाम चीज़ें होती हैं, डिग्रीज की कॉपीज होती हैं, वो लगा के आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजनी है। ये एड्रेस लिखा हुआ है HRSG रिक्रूटिंग फर्स्ट फ्लोर 169 Y कमर्शियल एरिया सेक्टर YDH Phase 3 लाहौर पंजाब 54000। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि